हाय फ्रेंड, ऑल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियलमी एक्सेल के बारे में। इसमें आज हम बात करेंगे आपके रियलमी फ़ोन से हम जैसे अदर सिस्टम लैपटॉप में जैसे वाई डाटा चलाना है तो पर्सनल हॉटस्पॉट आपका ऑन नहीं हो रहा है तो इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक ही ऑप्शन है ब्लूटूथ टचिंग और यूजर भी टचिंग ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन में। इसके बाद अदर वायरलेस कनेक्शन ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आपको पर्सनल हॉटस्पॉट के नीचे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं तीन ऑप्शन को बराबर लाइन से बताऊँगा। इसमें वाईफाई टचिंग दिखा रहा है ना। ये ऑप्शन ऐसा है जैसे आप वाईफाई चालू किए अपना, आपने इसे अदर रिसोर्स से अपना वाईफाई लिए, अपना मोबाइल वाईफाई चला रहे हैं और फिर अपने मोबाइल से वाईफाई इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल से भी वाईफाई चालू हो जाएगा ना, हॉटस्पॉट बन जाएगा, तो उससे अदर डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन यूएसबी टचिंग। इसमें क्या होगा कि आपको केबल लगाना पड़ेगा लैपटॉप में और एक अपने मोबाइल में डाटा केबल जो होता है, इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल का डाटा लैपटॉप में चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ब्लूटूथ टचिंग। इसको ऑन करने से आपको सिस्टम का जो ब्लूटूथ है मतलब वाई लैपटॉप का उससे कनेक्ट करेंगे तो इससे भी नेट चालू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी वीडियो है आज के लिए आपके लिए, जो आपको काम देगी, जो घर पे वर्क करते हैं या उसमें आपको कोई परेशानी आती है और जो अधिकतर लैपटॉप यूज़ करते हैं उनके लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करके ही करिए। तो थैंक यू आज के लिए।